हेलो एंड वेलकम बैक डी एस फ्रेंड्स इन आवर चैनल स्टडी मंत्रास विद आदित्य। डी एस फ्रेंड्स, इंटरनल सिक्योरिटी में इस समय हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इट मींस संगठित अपराध को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने एक वीडियो देख लिया है और उसमें हमने कई सारे पॉइंट्स को देखे हैं, जैसे कि आतंकवाद या फिर उग्रवाद इत्यादि से संगठित अपराध किस प्रकार से संबंध रखता है। उसी कड़ी में एक हमारा और पॉइंट रह गया है जो कि आतंकवाद और मादक पदार्थ के तस्करी के बीच में जो संबंध है उसको दर्शाता है, तो आज उसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा काम है वो है मनी लॉन्ड्रिंग को डिस्कस करना। आज हम मेनली मनी लॉन्ड्रिंग पर बात करेंगे और आपके अभी तक के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और ताकि आपको फिर कभी मनी लॉन्ड्रिंग पर फिर से कुछ देखने की आवश्यकता ना पड़े। देखिए, बात करते हैं जब हम आतंकवाद और मादक पदार्थों के बीच में संबंध का, तो ये देखिए सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आपको आतंकवादी संगठन चलाना है तो आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल जो है व्यवस्था अपनी करनी पड़ेगी। अब फाइनेंस के लिए अगर कोई आपको एक ऐसा क्षेत्र मिल जाता है जहाँ से आप कहीं ढेर सारे जो आपके मादक पदार्थ उनको प्राप्त करते हैं, तो फिर उनको आप कहीं भी इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं और उनसे अपनी जो वित्तीय संबंधी ज़रूरतें आपकी हैं वो उसे आप पूरा कर सकते हैं। इसी कड़ी में हमारे एशिया महाद्वीप में दो क्षेत्र हैं जिनको हम गोल्डन क्रिसेंट, थोड़ा सा मोटा हो गया इसे हम थोड़ा पतला कर लेते हैं, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। देखिए, ये जो दोनों ही जगहें हैं ये दोनों ही जगहें वर्ल्ड में काफ़ी फेमस हैं। किस लिए फेमस हैं? इन जगहों पे ओपियम की बहुत बड़ी खेती होती है और ओपियम से आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों को बनाया जाता है। तो ये जो ओपियम की खेती होती है, ये इन ओपियम को हम क्या करते हैं, मतलब हम नहीं, जो इस रीजन के जो लोग होते हैं जो इनका उत्पादन करते हैं या फिर जो इन पर अपना नियंत्रण रखते हैं, वे लोग एशिया पैसिफिक क्षेत्र में इन्हें क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये अब उन्हें क्या करते हैं, दूसरे देशों में बेचते हैं। जैसे एशिया पैसिफिक मीन्स कि आपका जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसमें भी, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इसी प्रकार से यूरोप महाद्वीप में भी इस प्रकार के जो है इनके ट्रांसपोर्ट होते हैं और ये यहाँ से ड्रग्स को जो है फैलाते हैं पूरे विश्व में। अब देखिए, ये जो स्पेसिफिक जो टर्म है गोल्डन क्रिसेंट और जो गोल्डन ट्रायंगल, ये अपने नाम से ही समझ में आता है कि कोई ऐसा क्षेत्र है जो कि क्रिसेंट के आकार का है, इसलिए इसे हम क्रिसेंट कह रहे हैं। गोल्डन इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे जिन मादक पदार्थों की खेती होते हैं वो अगर देखा जाए तो धन रूप में काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। उसी प्रकार से गोल्डन ट्रायंगल में कुछ ट्रायंगल जैसा शेप बनेगा, लेकिन दोनों में ही गोल्डन शब्द है, इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी धन के क्षेत्र हैं, मतलब धन यहाँ पर बहुत ही आसानी से कमाया जा सकता है। तो अब इन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं वो गोल्डन क्रिसेंट में आते हैं और म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और साथ ही साथ वियतनाम को भी जोड़ते हैं इसमें हम, तो जो ये क्षेत्र हैं ये आते हैं आपके गोल्डन ट्रायंगल में। देखिए, जो जो आपके दक्षिण पूर्व जो देश हैं ये मैक्सिमम देश इसमें जो है गोल्डन ट्रायंगल में लगभग आते हैं और इन देशों में ओपियम की खेती की जाती है। तो यहाँ से अब सोचिए, आइए इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से देखते हैं, मैप के माध्यम से, जिसके बाद आपका जो थॉट है इन दोनों ही प्लेसेस को लेकर के वो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा शोर शराबा है, आप इसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा भारत है, सभी आप इसे पहचानते हैं। भारत के वेस्ट साइड में अगर आप देखें तो ये है गोल्डन क्रिसेंट। सबसे पहले पड़ेगा आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फिर ईरान। इन क्षेत्रों को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये क्रिसेंट के जैसी आकृति क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं क्रिसेंट। और गोल्डन क्यों, आपको पता चला। इसी प्रकार से आप भारत के जब ईस्टर्न फ्रंट पर आएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो ये क्षेत्र हैं, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया और इसी प्रकार से वियतनाम का भी क्षेत्र इसमें ऐड कर दिया गया, एक कहीं ना कहीं ट्रायंगल की जैसी आकृति यहाँ पे बनाते हैं, तो इस वजह से हमें कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। अब आप सोचिए, एक ऐसा देश जिसके वेस्ट फ्रंट पर और जिसके ईस्ट फ्रंट पर दोनों ही तरफ मादक पदार्थों को उत्पादित किया जाता है, तो क्या वह देश जो कि जिसके यहाँ जिसमें इन सब मादक पदार्थों का उत्पादन नहीं किया जाता है उतने बड़े स्तर पर, क्या वह इनसे उपजने वाले जो अपराध हैं उनसे बच पाएगा? इट मीन्स कि जो मादक पदार्थों की खेती से जो उत्पन्न अपराध होते हैं, अब कैसे अपराध उत्पन्न होंगे उनसे? देखिए, अगर मादक पदार्थ उत्पादन करेंगे आप तो उसे बेचेंगे ही, और बेचेंगे तो आप जाहिर सी बात है कि लीगल तरीके से बहुत जगहों पर नहीं लोग बेचते हैं, क्योंकि लीगल तरीके से बेचने में बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। तो उसे बेचेंगे तो आपके गठजोड़ भी कुछ ना कुछ ऐसे संगठनों से होंगे जो संगठन लीगलाइज नहीं होंगे, तो आप उन संगठनों के नज़र में भी आ जाएंगे जो संगठन लीगल नहीं है, जैसे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसके नज़र में आप आ जाएंगे या फिर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का ग्रुप है उसके नज़र में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी,
अब भारत जो कि इन दोनों ही सेंटर्स के बीच में आता है, यहाँ पर इस प्रकार के समस्याओं से उत्पन्न जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी भारत में इस प्रकार से बढ़ जाती है और आप देखेंगे कहीं ना कहीं भारत की इंटरनल जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाती है। इसलिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हम इन दोनों ही फ्रंट पर अपनी जो इंटेलिजेंस है और अपने जो हमारे जो भी सीमा पर जो भी तैनात हमारे जवान हैं, जो जो भी हमारी व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, उनको हम इतना मजबूत रखें कि हम इस जो सेंटर हमारे ये दोनों हैं, इन दोनों सेंटर से हम कम से कम प्रभावित हों। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो गोल्डन क्रिसेंट है और गोल्डन ट्रायंगल है ये क्या है और इसको हम क्यों कहते हैं ऐसा। ओके, तो हमने ये देखा कि इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हेरोइन इत्यादि की खेती, ओपियम की खेती की जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही फेमस है वर्ल्ड में। अच्छा, अब ये देखिए जो अफगानिस्तान वाला मामला इसमें है, तो आप देखेंगे कि जो अमेरिका है और जो तालिबान वाला हिस्सा है, तालिबान का बहुत ज़्यादा प्रभाव उन क्षेत्रों पर अफगानिस्तान में है जिन क्षेत्रों पर ओपियम की खेती ज़्यादा होती है, और उन क्षेत्रों पर प्रभाव रखकर ये क्या करते हैं, अपना फाइनेंशियल जो है उनका जो ज़रूरत है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। अमेरिका जब से अफगानिस्तान में, तो अमेरिका भी इन सब चीज़ों में अपना साठ गांठ बनाकर रखा हुआ है, तो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, क्योंकि बहुत सी बाहरी ताकतें भी आकर के इन पर अपना कब्जा जमाना चाहती हैं। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कुछ और बातों को हम इसमें देख लेते हैं। इस चित्र को हमने अच्छे से देख लिया है। अब देखिए इस क्षेत्र में जो है मादक पदार्थों की बढ़ती खपत के कारण क्षेत्रीय असुरक्षा भी बढ़ी है, वही बात हमने अभी बात करी है, और क्योंकि इसका कारण जो है आतंकवाद और संगठित अपराध की गठजोड़ को माना जाता है, इस वजह से ये समस्याएं और भी विचित्र, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे सामने भयानक रूप से हमें दिखाई देती हैं। तो आतंकवाद और संगठित अपराध को बढ़ाने में, पालने पोसने में इसी प्रकार के टूल्स जो होते हैं, जो मादक पदार्थों का उत्पादन करके उससे पैसा कमाया जाए, इस प्रकार जो टूल्स हैं वो क्या करते हैं, उनको बल देते हैं, उनको बढ़ाने में सहायता करते हैं। भूतपूर्व तालिबान अफगानिस्तान के ऐसे भागों पर नियंत्रण रखते थे, जो पहले के तालिबान थे, जहाँ पर हेरोइन की खेती की जाती थी, और वे अफीम उपजाने वाले तथा ट्रांसपोर्टरों पर कर लगाते थे। अब जो तालिबान पहले वाला था, हालांकि आज का भी तालिबान काफ़ी हद तक इन क्षेत्रों पर प्रभाव रखता है अपना, लेकिन जो पहले के तालिबान थे वो ऐसे भागों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते थे, और वहाँ पर जो लोग भी अफीम का उत्पादन करते थे उन पर, और अगर वो किसी को बेच रहे हैं तो जो ट्रांसपोर्ट करने वाला जो भी सिस्टम रहता है वहाँ पे, तो ट्रांसपोर्टरों पर भी क्या करते थे, वो कर लगाते थे कि अगर आप उत्पादन करेंगे तो हमको इसके एवज में क्या देंगे, आप कर देंगे, और कर जब उन्हें मिलेगा तो कर से वो अपना ज़रूरत जो उनका पूरा करने का हथियार लेकर आएंगे, और जो भी उनको ज़रूरतें होंगी, महसूस होंगी अपने संगठन में, उन ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि अब अगला हमारे पास ये सब चीज़ें हमें देखने के बाद हमें समझ में आता है कि अभी जो परिदृश्य हमारे देश में है या फिर विश्व में है, इन चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि अभी भविष्य में जिस प्रकार से अगर आप देखें कि विभिन्न प्रकार के जो राष्ट्र हैं वो अब इस बात को मानने लगे हैं कि विश्व में आतंकवाद जैसी भी कोई चीज़ होती है। पहले कुछ समय तक बहुत से देश ऐसा नहीं मानते थे कि आतंकवाद जैसा कोई मतलब खतरा है पूरे विश्व के सामने, क्योंकि वे इससे कभी भी ग्रसित नहीं रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उनके ऊपर, जैसे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अटैक हुआ, यूरोप में कई जगह अटैक हुए, अमेरिका में कई जगह अटैक हुए, तो जब से जैसे अटैक बढ़ते गए वैसे वैसे उन्हें यकीन होता गया कि आतंकवाद जैसी भी कोई चीज़ है। तो अब क्या होगा कि जो अब देश इन आतंकवादियों की विभिन्न प्रकार के नापाक जो इनके अभी तक मिशन रहे उनको जो झेल चुके हैं, तो वो अब देश चाहते हैं कि इन आतंकवादियों को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए, जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। तो इसके लिए अब ये देश जो है आपस में संगठन बना करके, आपस में बातचीत करके विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को लॉन्च कर रहे हैं। अब जब ये विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को लॉन्च कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो आतंकवादी हैं वो कहीं ना कहीं सिकुड़ने लगेंगे। जैसे आपने आईएसआईएस का एग्जांपल अपने सामने ही देखा होगा, किस प्रकार के आपके सामने ही आईएसआईएस जैसा एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा हो गया और किस प्रकार से वो सिकुड़ते सिकुड़ते बहुत ही छोटा हो गया। तो ये दोनों ही डेवलपमेंट आपके सामने ही हुए हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जब वो खड़ा हुआ तो उसको किस प्रकार से हेल्प मिली और किस प्रकार से उसको दबाया गया, दूसरे देशों के द्वारा किस प्रकार से उसका सफाया किया गया, ये चीज़ भी आपने देखा है। तो अब जब विभिन्न राष्ट्र इन सब चीज़ों को, आतंकवादी गतिविधियों को जब वो दबाने का प्रयास कर रहे हैं, ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो आतंकवादी संगठन है अब वो सोच रहे हैं कि अब हमें कोई और नए तरीके ढूंढने होंगे जिसके माध्यम से हम अपने यहाँ जो है जो भी अस्तित्व से बचाए रख सकें और अपने कार्यों को करते रहें। तो उसी संबंध में ये बात कहा जा रहा है कि उग्रवाद और संगठित अपराध के संबंध का जो भविष्य है, मतलब कि अब ये संगठित अपराध या आतंकवाद, उग्रवाद, इन सब के बीच आपस में संबंध कैसा रहेगा आने वाले समय में,
ठीक है, इसके बारे में विचार करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी ये संबंध रहे उस संबंध को हम किस प्रकार से तोड़ें, इस बारे में भी क्या संभावनाएं हो सकती हैं उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो देखिए, राष्ट्रों के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों पर जो नकेल कसी गई है उसके कारण क्या हुआ कि आतंकवादी अब अपनी वित्तीय ज़रूरतों को नए वित्तीय उपकरणों की तलाश के माध्यम से क्या करेंगे, पूरा करेंगे। और इस दिशा में आप देखेंगे संगठित अपराध के साथ गठजोड़ क्या होगा, मजबूत होगा। मतलब कि अब कई सारे आतंकवादी क्या करेंगे, संगठित अपराध में ज़्यादा सक्रिय होंगे, वो ज़्यादा ढेर सारे अपराध करेंगे और उसके माध्यम से अपना जो ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे। कई आतंकवादी दल तो अपने आप को संगठित अपराध आपराधिक दल में भी परिवर्तित कर लेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हमें भविष्य में देखने को मिल सकती हैं। इवन ये चीज़ें अब शुरू हो चुकी हैं। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तो हम क्या करेंगे, हमारे पास भी तो सोल्यूशन होना चाहिए जिसके माध्यम से वो भले कितना ही भागें, कितना ही वो अपने आप को चेंज कर लें, कितना ही हमसे बचने का वो तरीका ढूंढ लें, लेकिन हमें तरीका फिर ढूंढना पड़ेगा उनको उसी रूप में ख़त्म करने का। तो हमारे पास समाधान क्या हो सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें अपनी मिलिट्री को क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा उत्कृष्ट बनाना पड़ेगा, उसे और बेहतर बनाना पड़ेगा, और अपने इंटेलिजेंस को जो हमारी आसूचना निपुणता है उसे और बेहतर करना पड़ेगा। हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग बिल्कुल हाई क्वालिटी होनी चाहिए, बिल्कुल टॉप लेवल की होनी चाहिए, हर इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। देखिए, कहा जाता है कि अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है तो आप आधा युद्ध वैसे ही जीत जाते हैं। इसी प्रकार से अंतर्राज्यीय समन्वय और सहयोग की आवश्यकता है। देखिए, कई बार हम देखने को हमें मिलता है कि हमारे जो देश में या फिर दो देशों के बीच में अगर बात करें तो होता यह है कि इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से आतंकवादी या उग्रवादी जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है टहलते रहते हैं और बच जाते हैं। जैसे नक्सलवादियों के मामले में ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा सूट करता है। फॉर एग्जाम्पल कि जिस प्रकार से नक्सलवादी एक जगह पे अपना कोई मान लीजिए कि कोई कार्य करते हैं, कोई उग्रवादी गतिविधि करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, दूसरे राज्य में भाग जाते हैं। जब किसी मतलब कि जिस राज्य में वो अटैक करते हैं उस राज्य की मान लीजिए पुलिस उनके पीछे लग गई, अब वो क्या करेंगे कि उस राज्य से भागना स्टार्ट कर देंगे जंगल के रास्ते। अब वो भागते भागते दूसरे राज्य में चले जाएंगे। तो अब जब उस राज्य की जो स्टेट रहेगी जिस राज्य में अटैक हुआ, अब वो पुलिस जो है दूसरे राज्य में तो जा नहीं पाई क्योंकि उसको वहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उसका, वहाँ पे वो जा करके अपना ऑपरेशन नहीं कंडक्ट कर सकते हैं, तो इसका वो फ़ायदा उठा लेते हैं। हालांकि ग्रेहाउंड और कुछ फोर्सेस के माध्यम से चीज़ों को अब सॉल्व किया गया बहुत हद तक, लेकिन अभी पूरी तरीके से ये सॉल्व नहीं हुए। तो हमें ये जो है इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आपस में जो राज्य हैं या फिर देश हैं वो सूचनाओं को साझा करें, ऑपरेशन संबंधित डिटेल भी दें कि हाँ इस तरह का ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसमें आपकी मदद चाहिए, सहयोग से हम इस काम को कर सकते हैं। जिस प्रकार से भारत ने हमने देखा कि म्यांमार के साथ मिलकर के ऑपरेशन किया है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सफाई करने के लिए, इसी प्रकार से भूटान के साथ भी ऑपरेशन किया है भारत ने। तो इस तरह की चीज़ों को हमें करने की आवश्यकता है, समन्वय बैठाने की आवश्यकता है। संगठित अपराध के लिए टाडा मतलब कि जो टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्शन एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट होता है, इसको इस बारे में देख लेंगे। फिर मकोका है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, इस प्रकार से इन चीज़ों को देख लेंगे। फिर यूपी में भी यूपी कोका है, गैंगस्टर एक्ट है, इन सब जैसे कठोर कानून जो हैं उग्रवादियों आतंकवादियों के लिए उनको हमें बनाना चाहिए और उनको लागू करना चाहिए। हालांकि कानून बने हुए लागू किया जाए जहां भी आवश्यकता महसूस हो। इसी प्रकार से राजनीतिक तथा अन्य समर्थन से इन्हें अलग थलग करना चाहिए। कई बार आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल कुछ फिगर होते हैं जो कि क्या करते हैं इन संगठनों को क्या करते हैं समर्थन देते हैं, तो उससे इनका मनोबल बढ़ा रहता है और ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर तो किसी का हाथ है और हम कुछ भी करेंगे वो हमें क्या कर दिया जाएगा, उसे बचा लिया जाएगा। तो इनका जो कनेक्शन होता है ना पॉलिटिकल या फिर कोई भी कनेक्शन होता है, इन कनेक्शंस को हमें काटना चाहिए पहले, क्योंकि जैसे ही इनके ऊपर से कोई हाथ किसी का हट जाएगा तो फिर ये अपने आप को फिर सोचेंगे कि अब हम अपने को कैसे बचाएं, उसके लिए फिर वो भागना स्टार्ट करेंगे। फिर बात करते हैं चुनौतियों के स्वरूप के अनुसार उनसे उप क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, द्विपक्षीय स्तर पर और बहुपक्षीय स्तर से निपटना होगा। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका दायरा बहुत सीमित होता है तो उनसे उसी अनुसार निपटा जाए। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो राष्ट्र स्तर पर होती हैं तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर नियम बना करके सभी राज्यों का समन्वय स्थापित करके उनको क्या किया जाए, उनको टैकल किया जाए। इसी प्रकार से कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो एक देश केवल एक देश की नहीं बल्कि कई देशों की होती हैं तो उनको उस अनुसार जो है हमें टैकल करना चाहिए, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमने देखी किस प्रकार से संगठित अपराध में और विभिन्न प्रकार की चीज़ों में संबंध होता है और उसे किस प्रकार से हम टैकल करें, भविष्य में जो स्थितियाँ बनने वाली हैं उन स्थितियों को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर भी हमने डिस्कस किया। तो एक जो मेन पॉइंट हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब आइए बात करते हैं हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं। आपने मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ही बार सुना होगा, आज देख लेते हैं इसका क्या अर्थ है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा मतलब है कि लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है साफ करना, कोई चीज़ गंदी है उसे साफ करना, लॉन्ड्रिंग। जैसे आप कपड़े देते हैं ना लॉन्ड्री में देते हैं कपड़े साफ करने के लिए, तो क्या करते हैं गंदे कपड़े के आपको वो साफ कर देते हैं, वही कार होता है मनी का लॉन्ड्रिंग। मतलब कि जो गंदा पैसा है, गंदा पैसा इट मीन्स कि जो काला पैसा, जो काला धन है उस काले धन को सफ़ेद करना, जो इल्लीगल मनी है, जो अवैध पैसा है उसे क्या कर दिया जाए, उसे सफ़ेद कर दिया जाए।
और लॉन्ड्रिंग का एक प्रोसेस होगा, तो उस प्रोसेस के माध्यम से पैसे को सफ़ेद किया जाए, इसे ही कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। काले धन को सफ़ेद धन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत सिंपल सा। अब देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये आतंकवादी गतिविधियों की सफलता में मनी लॉन्ड्रिंग एक महत्वपूर्ण चरण है। मैंने आपसे कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से ढेर सारे जो आतंकवादी संगठन हैं वो क्या करते हैं, अपने खर्चे को चलाते हैं, अपने खर्चों को पूरा करते हैं, पैसे को पैसे जो उनको ज़रूरत के पैसे होते हैं उनको मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से मिलते हैं। तो यह इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग जैसे समस्याओं को बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हम सॉल्व करें, क्योंकि इससे हमारे जो हमारे हमारे देश में या फिर दूसरे देशों में जो आतंकवादी संगठन या फिर उग्रवादी या फिर संगठित अपराध जो चल रहे हैं ये क्या करते हैं, फलते फूलते रहते हैं। तो इसलिए इन्हें टैकल करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के कुल तीन चरण हैं, किस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग काम करता है। सबसे पहला जो चरण है वो है प्लेसमेंट। जब भी आप मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आपसे पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग किस प्रकार से कार्य करता है, तो आपको ये तीन चरण जरूर बताने हैं। पहले चरण में प्लेसमेंट, नियोजन। देखिए, होता क्या है कि जो ब्लैक मनी है, जो अशुद्ध धन है, उसे क्या करते हैं, वैलिड तरीके से किसी वित्तीय संस्थान में डाल दिया जाएगा। अब जब किसी वित्तीय संस्थान में चला गया वो पैसा, तो वो पैसा वहाँ से कहीं भी जा सकता है। तो दूसरा जो इनका कार्य होता है वो होता है लेयरिंग। अब जो पैसा वित्तीय संस्थान में डाला गया, अब उस संस्थान से वो पैसा अलग अलग बैंक के खातों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग लोगों के पास वो जाएगा, जिसके माध्यम से क्या होगा कि वो पैसे को डाइवर्सिफाइड कर देंगे। अब जो पैसे को डाइवर्सिफाई कर देंगे, तो अब जो हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ उनको उस पैसे के स्रोत को पकड़ने में थोड़ी समस्या होने लगेगी। फिर उन पैसे से कुछ महंगी मुद्राएं खरीद लेंगे, कुछ मुद्रा को परिवर्तित कर लेंगे, कुछ करेंसीज को एक्सचेंज कर देंगे, कुछ वस्तुएं जैसे कोई महंगी गाड़ियां खरीद ली हैं, कोई महंगे पानी वाले जहाज़ खरीद लिए, या फिर ज्वेलरी खरीद लिए, कोई हीरे जवाहरात खरीद लिए, इस प्रकार की चीज़ों को खरीद करके क्या करेंगे, उस पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे। तो दूसरे लेयर में उन्होंने क्या किया, अब पैसे को बिल्कुल डाइवर्सिफाइड बना दिया। अब एक स्वरूप में पैसा नहीं रहेगा, जिस स्वरूप में पैसे को किसी वित्तीय संस्थान में डाला गया था, अब उस स्वरूप में वो न रह करके वो अलग अलग स्वरूप में हो गया है। अब बताइए, अगर आप एक सुरक्षा एजेंसी, आप इंटेलिजेंस के अधिकारी, आप मान लीजिए कि आप ईडी में एक अधिकारी हैं, तो अब आपको ये लिए ये जानना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि यह जो गाड़ी खरीदी गई है, यह गाड़ी किस पैसे से खरीदी गई है, और यह जो पैसा, ये पैसा कहाँ से आया, तो ये मुश्किल हो जाता है। तो इसे ही कहते हैं लेयरिंग, कि जो पैसा है उसको इतना इधर उधर घुमा दो कि इतना वो कॉम्प्लेक्स हो जाए कि उसके उद्गम का स्रोत जो है पता ही नहीं चल पाए कि वो पैसा कहाँ से आया है। तो ये होता है सेकंड प्रोसेस मनी लॉन्ड्रिंग का। उसके बाद जब ये हो जाएगा, तो अब पैसे को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, एकीकरण कर लेंगे, यानी कि अब जहाँ भी उस पैसे को जाना है वहाँ पर धन को जो है वैध तरीके से, बिल्कुल वैलिड तरीके से क्या करेंगे, आर्थिक व्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल कर देंगे और फिर उस पैसे का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये तरीका होता है मनी लॉन्ड्रिंग का। तीन लेयर में होते हैं, तीन देखेंगे आप चरण में कार्य करते हैं, तो इस तीनों चरण के आप ध्यान रखेंगे कि पहले किसी वित्तीय संस्थान में डालेंगे, फिर पैसे को विभिन्न जगहों पर भेज करके उस पैसे की शक्ल और स्वरूप को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, और फिर एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो ये तरीका होता है। आई होप कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग समझ में आएगा। देखिए, इसी से मिलता जुलता एक और हमारे पास शब्द है, राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, देखिए राउंड ट्रिपिंग जैसे कि शब्द से ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये राउंड वाली व्यवस्था है, मतलब कि एक जगह से स्टार्ट करके फिर उसी जगह पर वापस पहुँचाना है, और इसके दौरान क्या करना है उसे ही हम कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। देखिए, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने भारत में पैसा कमाया, ठीक है, तो उस पैसे को आपने क्या किया, टैक्स हेवन देशों में स्थानांतरित कर दिया। टैक्स हेवन कंट्रीज़ कौन से कंट्रीज़ होते हैं, देखिए कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ पे जो कॉरपोरेट जो नियम कानून होते हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल बनाए जाते हैं, और वहाँ पे जो कर की दरें होती हैं वो भी बहुत ही क्या होती है, कम होती है। इस वजह से उन देशों में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान, बहुत ही लाभदायक होता है। तो इन ऐसे देशों को हम कहते हैं टैक्स हेवन कंट्री, जैसे कि बहुत सारे देश, बरमूडा हो गया, आपका मॉरिशस हो गया, इस प्रकार के जो देश हैं वो बहुत ही ज़्यादा रियायतें देते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट को, तो ये टैक्स हेवन कंट्रीज़ के रूप में जाने जाते हैं। तो क्या करेंगे, ये पैसा जो भारत में कमाए रहेंगे उस पैसे को पहले टैक्स हेवन कंट्रीज़ में ये भेज देंगे। उसके बाद अब उस पैसे के माध्यम से ये कोई एक कंपनी खोल लेंगे, इसे कहते हैं शेल कंपनी। ये कंपनी क्या होती है, देखिए वास्तव में ये कोई कंपनी नहीं होती है, ये सिर्फ एक पेपर पे कंपनी होती है, इसमें कोई भी उत्पादन गतिविधि नहीं चलती है, ये कोई भी प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं करते हैं, ये सिर्फ एक पेपर पे रहते हैं। और इस कंपनी के माध्यम से ये दिखा दिया जाता है कि इस कंपनी ने जो है इतना मुनाफा कमाया है, इतना उत्पादन किया है और इतना मुनाफा कमाया है, जबकि रियलिटी में वो कोई भी उत्पादन नहीं कर रही होती है, कोई भी मुनाफा नहीं कमा रही होती है। तो अब जब ये किसी कंपनी के माध्यम से इतना उत्पादन दिखा दिए, तो अब उनका पैसा क्या हो जाता है, वैध हो गया। तो अब इस पैसे को क्या करेंगे,
इस माध्यम से ये कालाधन क्या करते हैं, सफ़ेद दिखा देंगे कि हमने तो एक कंपनी हमारी है, उस कंपनी में हमने इतना उत्पादन किया इन चीज़ों का और तब जाके हमें ये पैसा कमाया है, ये पैसा आप ले लीजिए, इन्वेस्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से फिर वो पैसा जो है भारत में विदेशी निवेश के नाम पर वापस भेज दिया जाएगा। जिस देश में इन्होंने उस पैसे को निवेश किया है, मान लीजिए कि किसी मॉरिशस में मान लीजिए उसको निवेश किया गया है, तो मॉरिशस से क्या करेंगे, वो उस पैसे को वापस हमारे ही देश में विदेशी निवेश के रूप में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में उसे लेकर आ जाएंगे। अब ये पैसा क्या हो गया, इनको अपने देश में मिल गया। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि किस प्रकार से एक शेल कंपनी, अभी हाल फिलहाल तो नहीं कह सकते, शायद 2-4 साल की बात है, जब आपने देखा होगा बहुत ज़ोर से ये मुद्दा उठा था, उसमें अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सितारों का भी नाम आया था कि इन्होंने भी इनके नाम पे भी कुछ कंपनियां, शेल कंपनियां खोली गई जिसमें कि ये लोग मेंबर्स हैं, बोर्ड के मेंबर्स हैं, हालांकि वो सब बाद में प्रूफ नहीं हो पाए। तो इस तरह की चीज़ें हमने देखी थी, मतलब एक सामान्य जीवन में हम इन सब चीज़ों को देखे, हमने देखा है, पेपर में, न्यूज़पेपर में निकले थे और सारे टीवी चैनल्स पे इन सब चीज़ों खबरों को दिखाया जा रहा था, तो ये हमारे सामने भी घटित हुआ है। तो इस चीज़ों को हम उससे भी रिलेट करके देख सकते हैं। अब देखिए, अब जब ये निवेश भारत में आता है तो क्या होगा कि अब इस निवेश से तो फ़ायदा होगा, जो भी मुनाफा कमाया जाएगा, तो इस निवेश के द्वारा भारत में अर्जित होने वाला मुनाफा बिना कोई कर चुकाए वापस उन्हीं टैक्स हेवन देशों में भेज दिया जाता है। होता यह है कि अब ये जो देश हैं, अब चूंकि ये करों में छूट दिए रहते हैं, तो इससे ये होता है कि इनको भारत में भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, भारत ने इससे इनसे अग्रीमेंट साइन किया होता है तो इनको भारत में भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। और फिर ये जिस देशों में जाते हैं, चूंकि उस देश में पहले से ही कॉर्पोरेट जो विभिन्न प्रकार के नियम कानून हैं वो बहुत ही सिंपल और सरल और बहुत ही लाभदायी बनाए गए हैं, तो इसलिए वहाँ पे भी इनको कर नहीं देना पड़ता है। तो इस प्रकार से इनको जो है बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो ये ना इंडिया में टैक्स देते हैं और ना ही उस कंट्री में टैक्स देते हैं, तो इस प्रकार से ये दोहरा जो कराधान होता है उससे बच जाते हैं, तो और भी इनका मुनाफा हो जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को ये अंजाम देते हैं राउंड ट्रिपिंग में। तो ये चीज़ें जो है राउंड ट्रिपिंग कहलाती हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो राउंड ट्रिपिंग को आप एक दोबारा अच्छे से देख लेंगे, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें ये एक बात हम और समझ लेते हैं कि ये जो दोहरे कराधान से बचते हैं तो अपना पैसा बचाते हैं, तो ये तरीका क्या होता है, मतलब कि किसी कंपनी में ये कैसे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। भाई किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी तो पूछेगी ना, भाई पैसा कैसे आपने इन्वेस्ट किया है। देखिए, इसका एक तरीका होता है पी नोट्स, जिसे हम पार्टिसिपेटरी नोट्स भी कहते हैं। ये क्या होता है, देखिए यह आप इस तरह समझें कि ये ऐसे वित्तीय इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें सेबी, जो हमारे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इससे आप देखेंगे हमारा जो शेयर मार्केट का जो विभिन्न प्रकार का जो रेगुलेशन है वो सेबी देखती है। तो अब ये क्या करते हैं कि सेबी जो हमारे पास है, सेबी के पास कुछ FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये रजिस्टर्ड होते हैं, कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो विदेश से निवेश करती हैं सेबी इंडिया में, तो सेबी के पास रजिस्टर्ड हैं कि हाँ भाई हमें जब भी निवेश करना होगा इंडिया में तो हम निवेश कर देंगे और हमें आप अपने यहाँ रजिस्टर कर लीजिए, तो ऐसा देखने को मिलता है। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि इनके पास, सेबी के पास रजिस्टर्ड जो FII हैं उन विदेशी निवेशकों को जारी करते हैं। देखिए, अब आप समझिए इस चीज़ को ध्यान से, बहुत समझिएगा। मान लीजिए, इसे क्लियर कर लेते हैं पहले। हाँ, देखते हैं। अब मान लीजिए कि ये है आपस, यहाँ तो सेबी है और ये है FII। ओके, मैंने मान लीजिए कि अपना पैसा मुझे जो है राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से उसे सफ़ेद करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि मेरा पैसा कोई कंपनी के माध्यम से वो बन जाए, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे अपना जो पैसा है वो पी नोट्स के माध्यम से मैं क्या करूँगा, ये FII को दूंगा। हालांकि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ FII के पास, इतने से जो ये कंपनी है मैं इसके पास रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो कि कई लोगों का पैसा एक साथ लेकर इन्वेस्ट करते हैं, मैं इनके पास रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन मैंने पी नोट्स के माध्यम से अपना पैसा इनको जो है दे दिया। अब सेबी ये कहती है कि जो पी नोट्स जारी, जो FII है वो पी नोट्स जारी करेंगे, लेकिन सेबी को यह ज़रूरत नहीं है जानने की कि पी नोट्स के माध्यम से जो पैसा दिया गया है वो पैसा किसने दिया है और वो उसका सोर्स क्या है। इट मीन्स कि यहाँ पे सेबी यह नहीं जानना चाहती है कि मैंने जो है ये पैसा कहाँ से कमाया है और मैं इस पैसे को कैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अब मेरा तो जो लक्ष्य है वो तो यहाँ फुलफिल हो गया कि मैं बिना बताए सेबी को या फिर किसी भी कंपनी की निगाह में मैं बिना आए और मैं अपने पैसे को क्या कर दिया, वहाँ पर इन्वेस्ट कर लिया, तो ये मुझे तो फ़ायदा ही हो गया। तो इस प्रकार से जो है मेरे पैसे जो है इस FII के माध्यम से भारत में आकर के इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो अब मेरा भी कार्य हो गया और भारत में इन्वेस्टमेंट भी आ गया। लेकिन आप देखेंगे कि इससे जो है बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जो पी नोट्स के माध्यम से जो पैसे आते हैं वो पैसे बहुत ही अस्थिर होते हैं, वो मार्केट में बस वोलेटिलिटी जो है
इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे, कब तक रहेंगे कोई नहीं जानता है। तो इस प्रकार से ही हमारे देश को नुकसान भी करते हैं। इसलिए सेबी जो है अब पी नोट्स में विभिन्न प्रकार के चेंजेस लाने के बारे में भी विचार कर रही है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आइए बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के क्या प्रभाव पूरे विश्व में पड़ रहे हैं। देखिए, एक डाटा कहता है कि प्रत्येक वर्ष जो है अपराधी जो हैं विश्व स्तर पर 500 से लेकर 1000 अरब डॉलर के बीच में मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य करते हैं। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है ये, इतने बड़े स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य किया जाता है। इससे अर्थ ये लगाया जा सकता है कि कितना ज़्यादा ब्लैक मनी पूरे विश्व में जनरेट होती है और उस ब्लैक मनी का कितना ज़्यादा मिसयूज जो है संगठित अपराध को करने में किया जाता है। अब इनका जो प्रभाव देखा जाए तो सामाजिक प्रभाव की बात करें तो आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। देखिए, जब आप ब्लैक मनी को अपना वाइट कर लेंगे तो जो समाज में यही एक संदेश जाएगा, ठीक है, गलत तरीके से भी धन कमा सकते हैं और उसमें बचा भी जा सकता है, बहुत हमारा नुकसान भी नहीं है। तो ये गलत एक मैसेज जाता समाज में, जिससे कि लोग अपराध करने के लिए क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। अधिक धोखाधड़ी देखने को मिलती है, कॉर्पोरेट गड़बड़ी देखने को मिलती है। वो जानते हैं कि इससे हम बचे रहेंगे और हम ढेर सारा अपना जो है मुनाफा वही बचा लेंगे, तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। मादक पदार्थों की अधिक उपलब्धता, अब जब पैसे की उपलब्धता होगी तो जो मादक पदार्थ हैं उनकी भी उपलब्धता होगी, क्योंकि वो ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो ज़्यादा बिकेगा उनका, ज़्यादा बिकेगा तो उनको पैसा भी मिलेगा, तो फिर और उत्पादन करेंगे वो, फिर और बिकेगा तो और पैसा मिलेगा। इस प्रकार से एक साइकिल चलता है। वैध जो व्यापारी हैं उनका मनोबल गिरेगा, क्योंकि जो लोग लीगल तरीके से धन को कमा रहे हैं, जो लोग अब ये सोच रहे हैं भाई कि हम एकदम जो भी सरकार के नियम कानून हम उसके अनुसार ही निवेश करेंगे, उसके अनुसार ही हम पैसे को वापस लेंगे, उसके अनुसार हम टैक्स देंगे, अब वो सोचेंगे कि जब ये लोग जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करके टैक्स को बचा ले रहे हैं, बहुत नियम कानून को फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, अब फिर भी ये सरकार के द्वारा या किसी भी एजेंसी के द्वारा पकड़े नहीं जा रहे, तो फिर हम लोग क्यों ऐसा कार्य करें। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं जो लीगल जो ट्रेडर्स हैं उनके मनोबल को गिराती हैं। तो ये भी समस्या हमारे सामने सामाजिक रूप में देखने को मिलती है। आर्थिक गतिविधियों की बात करें, देखिए तो शेयर बाज़ार में अनिश्चितता आती है। अनिश्चितता क्यों आती है, क्योंकि जो पी नोट्स के माध्यम से जो पैसे आते हैं उनका कोई भी सियोरिटी नहीं रहता है कि वो कब तक शेयर मार्केट में इंडिया के टिकेंगे। वो इन्हें हम एक कह सकते हैं कि रन बाइट माई सॉरी मनी विच कैन रन एट नाइट, मतलब कि एक पैसा ऐसा है जो कि रात में ही भाग सकता है। आज अगर सुबह में इन्वेस्ट हुआ तो वो रात में ही जा सकता है। तो इसे हम इस तरह के भी इस तरह से भी देखते हैं। प्लस इनका कोई भी ये अश्योरेंस नहीं रहता है कि ये कब तक हमारे शेयर मार्केट में रहेंगे, इसलिए यहाँ पे हमारे जो शेयर मार्केट में अनिश्चितता हमें देखने को मिलती है। आर्थिक नीतियों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये आकर के किसी भी कंपनी के शेयर को बढ़ा देंगे तो एक तरह से झूठी मांग वहाँ पर लगती है कि हाँ ये कोई कंपनी है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। तो ये करते क्या है, मान लीजिए कि इनका एक पूरा मतलब जो FII है ये क्या करते हैं, ढेर सारा पैसा लिए रहते हैं, इनके पास पैसा बहुत रहता है, तो ये किसी कंपनी के शेयर को क्या करेंगे, लगातार खरीदेंगे। अब जब कंपनी के शेयर को लगातार खरीदेंगे तो उस कंपनी के शेयर का दाम क्या करेंगे, ऊपर जाने लगेगा। अब जब कंपनी के शेयर का दाम ऊपर जाएगा तो जो आम इन्वेस्टर्स हैं, जो नॉर्मल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इनके बारे में नहीं जानते, जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, वो लगातार जब इस कंपनी को देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि हाँ ये कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, तब वो क्या करेंगे, अब वो इस कंपनी के शेयर को खरीदना स्टार्ट कर देंगे। और जब वो ऐसा करेंगे और ये देखेंगे कि हाँ अब दूसरे लोग भी शेयर को खरीद रहे हैं, तो बढ़े हुए दाम पे उस कंपनी के शेयर को बेच करके ये क्या करेंगे, अपने देश में वापस भाग जाएंगे। तो ये शेयर मार्केट से मुनाफा कमाएंगे और तुरंत निकल जाएंगे। तो इससे हमारे शेयर मार्केट में क्या होती है, जो कंपनी का शेयर अचानक से धड़ाम से गिर भी जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे देश में जो है एक झूठी मांग डेवलप होती है और फिर अचानक से क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो झूठी मांग डेवलप होती है, वो खत्म हो जाती है, तो इससे हमारे जो नीतियाँ आर्थिक नीतियाँ हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। लघु व्यापारी जो हैं उन पर प्रतिस्पर्धा का दबाव पड़ता है। देखिए, अब जितना FII पैसा लिए रहते हैं उतना पैसा तो छोटे व्यापारी ट्रेडर्स हैं उनके पास तो नहीं होता है। तो अब इनके ऊपर भी एक परफॉर्मेंस प्रेशर आता है कि अब हम कैसे अच्छा परफॉर्म करें। तो ये भी एक समस्या हमें देखने को मिलती है, जो कि आर्थिक स्तर पर हमें दिखाई देती है। देखिए, एक और मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कहते हैं कि TBML यानी कि ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यापारिक लेन देन के द्वारा धन का स्थानांतरण किया जाता है। वास्तव में यह कार्य मूल्य संख्या आयात निर्यात गुणवत्ता को गलत बताकर किया जाता है। इसका देखिए सीधा सा अर्थ यह है कि मान लीजिए कि अब आपको मनी लॉन्ड्रिंग करना है, अपना मतलब पैसे को अपने सफ़ेद करना है, तो आप एक व्यापारिक तरीका भी अपना सकते हैं। आप मान लीजिए कि इस देश में हैं और आप क्या करते हैं कि किसी दूसरे देश की कंपनी, मान लीजिए कंपनी दूसरे देश की क्या है, ए है, और आपने क्या किया, इस कंपनी से आपने कुछ माल खरीदा। अब मान लीजिए वो माल कितने का है, आपने खरीदा 100 रुपये का, ठीक है। तो अब लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जब वो आपके देश में जब वो माल एंट्री कर रहा है तो आप उस कंपनी से पहले ही बात कर लिए हैं कि 100 रुपये का सामान है, लेकिन मुझसे जो है आप 200 रुपये लीजिए।
और जो 200 रुपये आप लेंगे तो उसमें फिर आप कुछ अपना कन्वीनियंस फीस ले लीजिए, अब बाकी जो 80 रुपये मान लीजिए 80 रुपये वहाँ के ही एक ऑर्गेनाइजेशन को आप दे दीजिए या फिर वहाँ के किसी संस्था को किसी को मतलब कोई भी माध्यम होगा उनको देने के लिए कह देंगे। तो मान लीजिए कंपनी कहेगी ठीक है 100 रुपये माल पे मुझे 120 रुपये मिल रहा है तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं 120 रुपये कमा लूँगा और 80 रुपये मुझे दूसरे देने होंगे। तो इस प्रकार से क्या करेंगे ये कि माल तो इन्होंने खरीदा कितने रुपये का 100 रुपये का, लेकिन ये पेमेंट कितना किए ये 200 रुपये का। तो अब जब 200 रुपये पेमेंट करेंगे तो जो 100 रुपये इनका एक्स्ट्रा जो गया वो क्या हो गया, वो पैसा सफ़ेद हो गया, इनको जहाँ पहुँचाना था वो पैसा वहाँ पर पहुँच गया। और ये भी देखने को मिलता है कि कई बार मूल्य की बात तो हमने कर ली, संख्या सामान लाना होगा 1000 और उसमें रहेंगे सामान मान लीजिए 800 ही सामान रहेंगे, 800 ही संख्या में रहेंगे। अब उनको ये जब इंडिया में प्रवेश करेंगे तो उसमें ये दिखा देंगे कि भाई 1000 क्वांटिटी में हमने जो ये आइटम परचेज किया है, लेकिन वो असल में कितने होते हैं वो 800 क्वांटिटी में रहेंगे। तो अगर वो पकड़ लिए गए तो ठीक है, नहीं पकड़ेंगे तो बच गए, तो इस प्रकार से भी बच जाते हैं। और गुणवत्ता मान लीजिए कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के चीज़ों का दाम दिए हैं लेकिन मंगा कौन से रहे, एकदम लो क्वालिटी की चीज़ें मंगा रहे हैं, तो जो पैसे का डिफरेंस है वो पैसा किसी के और के माध्यम से दे दिया गया या फिर पैसा वापस आकर देश में ही क्या हो गया सफ़ेद हो गया, उसको यूज कर लिए। तो ये व्यापार आधारित जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इसे भी आप एक बार ध्यान से देख लेंगे। अब आइए बात करते हैं कि हमारे देश में कोई नियम बना है क्या मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित। तो आप देखेंगे कि हाँ एक नियम बना है जिसे हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग रोक अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। देखिए इसे 2005 में लागू किया गया था और यह एक आपराधिक कानून है। इसका मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग करना एक आपराधिक जुर्म है। दोषी को 3 से 7 वर्ष की सजा मिल सकती है, 5 लाख तक जुर्माना भी है। और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी जो MLAT होता है, ये देखा जाता है कि अपराधियों की विदेशों में पकड़ी गई संपत्ति को जब्त करने के लिए भारत सरकार की संधि है। मतलब भारत सरकार ने एक प्रकार की संधि कर रखी है कि अगर कोई अपराधी जो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा जाता है और किसी विदेश में वो जाकर छिप जाता है या विदेश में उसकी कोई संपत्ति है, तो भारत सरकार जिस भी देश से MLAT वाला जो एग्रीमेंट उसको साइन की रहेगी तो उस देश में वो जा करके उस अपराधी का वो भी जो भी संपत्ति उसको जब्त कर सकेगी। अभी तक भारत ने 26 देशों के साथ ये संधि साइन मतलब हस्ताक्षरित की है। तो ये एक MLAT आप जानते हैं ये संधि है और इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखें। जब भी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आप बात करें, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो आपको ये जरूर मेंशन करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कोई एक नियम भी भारत में है, क्योंकि इससे फिर ये जाएगा कि हमने सुरक्षा के उपाय भी कुछ कर रखे हैं, तो ये पॉजिटिव जो है वहाँ पर संदेश जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हमने ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में चीज़ों को देखा। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो ब्लैक मनी के ऊपर होगा कि ब्लैक मनी क्या है और इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से पसंद आ गया होगा और अगर आपको वीडियो एक बार समझ में आए तो दूसरी बार आप देख लें, लेकिन इस टॉपिक को आप यहीं पर कंप्लीट कर लें ताकि आपको दोबारा कभी मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा आज की वीडियो। हालांकि वीडियो मैं पहले ही प्रोवाइड करना चाह रहा था लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियोस जो है बार बार क्रैश हो जा रहे थे, जिसकी वजह से मुझे दूसरे की मदद लेकर के वीडियो को बनाना पड़ रहा है। तो फिलहाल कोई बात नहीं, उस चीज़ों को हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो ये रहा हमारा आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। उसके बाद मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।